वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज हम फिर से और आखिरी बार बात करने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर टू के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जो है केजीएफ चैप्टर टू का एक डिटेल डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। दरअसल कल जो है हमने इस फिल्म को दूसरी बार देखा है। वैसे तो मुझे पहला शो देखने के बाद ही उसी दिन मुझे अगला शो भी जो है वो देखना ही था, पर क्योंकि आप सबको बताया कि वीकेंड्स पर इसके टिकट्स मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो गए थे, तो सोमवार को कल जो है जाकर मैंने इस फिल्म को दूसरी बार देखा। तो दूसरी बार देखने पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, किन किन चीजों में जो है मेरे ओपिनियन चेंज हुए भी या नहीं, साथ ही साथ कुछ सीन्स को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हमेशा होती हैं जिनको जो है हम स्पॉइलर फ्री तरीके से बिल्कुल कभी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। क्लाइमेक्स के बारे में चर्चा करेंगे, सलार के साथ इस फिल्म का क्या कोई कनेक्शन हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे हमारे इस फिल्म के फेवरेट सीन्स। तो ये वीडियो जो है पूरी तरह से स्पॉइलर से भरपूर होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी है और आप इस फिल्म को देखने वाले हो तो इस वीडियो को जो है यहीं से छोड़ दीजिए, फिल्म देख लीजिए, उसके बाद आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो बात करें सबसे पहले मेरे दूसरे बार देखने के एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैंने जो है दूसरी बार भी फिल्म को हिंदी में ही देखा है, क्योंकि जहां पर भी कन्नड़ा वर्जन लगे हैं वहां पर सबटाइटल्स नहीं थे। तो मैंने दूसरी बार भी फिल्म को हिंदी में ही देखा है और दूसरी बार देखने पर भी यही कहूंगा कि जो मेरा ओपिनियन था, जो मेरा रिव्यू था फिल्म को पहली बार देखने पर, वही ओपिनियन जो है अभी तक बना हुआ है। उसमें जो पॉजिटिव्स थे, जो नेगेटिव थे, वो अभी भी दूसरी बार देखने में कहीं पर भी चेंज नहीं हुए हैं। हाँ, एक चीज मैं एक्स्ट्रा ये ऐड करूंगा कि दूसरी बार देखने पर सेकंड हाफ के अंदर जो इमोशंस थे ना, वो मैं कहूंगा कि और स्ट्रांग तरीके से कनेक्ट हुए मेरे साथ। और सेकंड हाफ को जो है मैंने पहली बार जो देखा था और दूसरी बार जो देखा ना, तो दूसरी बार में मैंने सेकंड हाफ को ज्यादा एंजॉय किया। उल्टा मैं कहूंगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो वहां पर फर्स्ट हाफ में जो मैजिक था वो काफी हद तक सेकंड टाइम देखने में कम होता है। केवल जो एलिवेशन वाले सीन्स है वही चीजें जो है क्लिक होती हैं, अदरवाइज सेकंड हाफ जो है सेकंड टाइम देखने पर ज्यादा स्ट्रांग मुझे यहां पर नजर आया। अब बात करें केजीएफ चैप्टर वन की, तो ये फिल्म कहानी है एक मां की, एक मां के लक्ष्य की, उसके टारगेट की, जिसको पूरा करने के लिए उसका बेटा यानी कि रॉकी किसी भी हद को पार कर सकता है। तो रॉकी की मां ने कभी भी उसको ये नहीं बोला कि तू अच्छा आदमी बन, कभी भी ये नहीं बोला कि तू क्रिमिनल बन, बस उससे एक वादा लिया इस टारगेट को अचीव करने का। और आज रॉकी उस टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब उसने इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्राइम का रास्ता चुना, अब वो क्राइम करते हुए भी अगर आप देखोगे तो वक्त आने पर वो अच्छा इंसान भी बनता है और वक्त आने पर हार्डकोर क्रिमिनल भी बनता है। इसलिए फिल्म को अगर आप देखोगे तो फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे भी आपको नजर आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, मतलब उन सीन्स में भी जो है जो क्रिमिनल साइड है यहाँ पर यश के कैरेक्टर का, उसे भी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। इसीलिए मैं कहूंगा कि चैप्टर टू के अंदर यश का जो कैरेक्टर है उसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलता है, एक अच्छी गहराई देखने को मिलती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे सीन्स हमारे सामने खुलकर आते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि ये जो रॉकी का जो कैरेक्टर है ये अपने टारगेट को लेकर कितना सीरियस है और किस हद तक जो है वो जा सकता है। और उन सभी चीजों को जो है कुछ कमाल के डायलॉग्स, कुछ बेहतरीन सीन्स के द्वारा जो है फिल्म के अंदर जस्टिफाई करने की भी कोशिश की गई है। तो अब जब बात यहां पर अपने टारगेट को अचीव करने की, अपने सपनों को पूरे करने की हो रही है, तो कहावत है जो शायद आपने सुना ही होगा कि जो तेरे मन में वही तेरी सच्चाई है। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आप अपने ड्रीम को, आप अपने टारगेट को जो है अचीव कर सकते हो, आप अपनी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को जो है फेस कर सकते हो। और इस चीज पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया हुआ है जोसेफ मर्फी ने अपने द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ये किताब चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो, पर अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है पर आप इस चीज के बारे में जानना चाहते हो तो आपको तो इस बुक की जो समरी है कुकू एफएम पर सुनने को मिल जाएगी। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा का नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी मिलता है, 4.5 प्लस की रेटिंग हासिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो ऑडियो बुक्स है उन्हें आप जो है आपकी पसंदीदा रीजनल भाषाओं में भी जो है सुन सकते हो। कुकू एफएम पर आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी ढेर सारी कैटेगरी की ऑडियो बुक्स जो है सुनने को मिल जाती है। मैं भी पर्सनली ऑडियो बुक्स ही सुनता हूं क्योंकि यहां पर मैं अपना काम करते हुए भी इन्हें आसानी से सुन सकता हूं। आप भी चाहो तो जिम करते हुए, रनिंग करते हुए इन ऑडियो बुक्स को जो है सुन सकते हो, आपका जो काम है वो भी होता रहेगा और आप जो है अपने अंदर एक वैल्यू भी ऐड करेंगे। नॉर्मली इस प्लेटफॉर्म का जो सालाना सब्सक्रिप्शन है वो 399 रुपीज का है, पर यहां पर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए 50% का जो है डिस्काउंट रखा गया है। अगर आप हमारा एक कूपन कोड क्रेजी 50
50 यूज करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन पे जो है 50% का जो है एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट जो है पहले 250 यूजर्स को जो है दिया जा रहा है, तो ऐसा मौका गवाना कौन चाहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी हुई है, जाइए चेक कीजिए कुकू FM का ऐप और हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। फिर से एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि KGF चैप्टर 2 एक ऐसी फिल्म है जो फिर से उन्हीं को ही पसंद आएगी जिनको चैप्टर 1 पसंद आया था। और अगर आप सिर्फ हाइप को लेकर जाओगे कि हम चैप्टर 2 देखने जाते हैं, हमें चैप्टर 1 पसंद नहीं था लेकिन बहुत हाइप बनी हुई है, काफी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अगर आपको चैप्टर 1 पसंद नहीं आया था और आप चैप्टर 2 को केवल एक मास एंटरटेनर के तौर पर देखने जाते हो तो डेफिनेटली चैप्टर 2 भी शायद आपको उतना इंप्रेस ना कर पाए। पर अगर आपको एक मास एंटरटेनर के तौर पर देखने नहीं जाना है तो आप इसके राइटिंग डिपार्टमेंट को आप ध्यान दीजिए, आप इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट को ध्यान दीजिए, वहां पर जो है डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको इंप्रेस कर सकती है। अदरवाइज मैं फिर से कहूंगा कि KGF फ्रेंचाइजी जो है एक कल्ट फ्रेंचाइजी है, एक कल्ट सीरीज है जो कि मेरे हिसाब से उन्हीं को हमेशा से पसंद आती रहेगी जिन्होंने इसको शुरुआत से पसंद किया है। अब KGF चैप्टर 2 एक मास फिल्म है। अब एक मास फिल्म होते हुए भी इस फिल्म की जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगी वो थी इस फिल्म के अंदर नजर आने वाली डिटेलिंग। फिल्म को अगर आप देखोगे तो फिल्म के काफी सारे फ्रेम्स के अंदर काफी सारी डिटेलिंग जो है हमें देखने को मिलती है। और लिख के ले लो आज जब ये फिल्म थिएटर्स में चल रही है, जब ये फिल्म OTT पर आएगी काफी सारी चीजें जो है और खुल के आने वाली, क्योंकि थिएटर में आप जो है पॉज करके चीजों को डिटेल के साथ नहीं देख सकते हो। तो जब फिल्म OTT पर आएगी ना तो और बहुत सारी डिटेलिंग जो है सामने निकल के आने वाली है, चाहे बात करें न्यूज़पेपर की कटिंग से लेकर, चाहे बात करें बोर्ड्स तक में, काफी सारी जगहों पर काफी सारी चीजें जो है यहां पर लिखी हुई थी जो थिएटर में देखते समय आप उनकी बारीकियों को नहीं समझ सकते हो। तो कुछ सीन्स की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब संजय दत्त का कैरेक्टर रॉकी को जो है बहुत ही दूर से शूट करता है, जब पहली बार उसको शूट करता है तो एक ही शूट में एक ही फायर में जो है वो रॉकी को वहां पर ढेर कर देता है। अब उस सीन को जो है आप थोड़ा डिटेल वे में अगर देखने जाओगे तो संजय दत्त का कैरेक्टर जो है बहुत ही दूर है, वो इतना दूर है कि यश को जो है पता भी नहीं है कि वहां पर संजय दत्त का कैरेक्टर खड़ा हुआ है। तो उस सीन को अगर आप देखोगे तो वहां पर संजय दत्त जब आते हैं तो उनके पास में एक आदमी खड़ा होता है, वो आदमी जो है रेत को हवा में उड़ा रहा होता है और ऐसा करते हुए वो हवा की रुख को जो है यहां पर जज करता है ताकि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो उसी रुख के हिसाब से जो है यहां पर फायरिंग कर सके। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि यश का कैरेक्टर जैसे ही वो डेंजर का जो बोर्ड होता है उस पर कदम रखता है वैसे ही जो है संजय दत्त जो है वहां से फायर कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो ये चीज किस तरीके से प्लानिंग की गई है, वो जो डेंजर का जो बोर्ड पड़ा हुआ है नीचे उसे एक जोन के तरह से वहां पर मार्क किया गया है कि उस बंदूक का जो रेंज है वो वही तक सीमित है, अगर उससे दूर अगर वो फायर करने की कोशिश करेंगे तो शायद निशाना जो है चूक भी सकता है। तो वो एक रेंज उस डेंजर बोर्ड के द्वारा वहां पर सेट किया गया है। तो जैसे ही रॉकी वहां पर पहुंचता है वैसे ही हवा का रुख देखते हुए यहां पर अधीरा जो है फायर कर देता है और एक ही फायर में जो है गोली निशाने पर लगती है और रॉकी जो है ढेर हो जाता है। तो ये एकमात्र सीन देखिए कितनी डिटेलिंग के साथ, कितनी बारीकी के साथ यहां पर जो है बनाया गया है। ऐसे काफी सारे और सीन्स हैं जिनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और उनमें आपको डिटेलिंग भी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि देखिए फिल्म के अंदर चैप्टर 2 के अंदर जो रिपोर्टर है, आप में से काफी लोगों ने मुझसे अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर पूछा था कि क्या वो कैरेक्टर जो है वो अनंतनाग जी का जो कैरेक्टर है क्या वही है, क्या वो प्रकाश राज जी के पिताजी ही है जो वो रिपोर्टर का वहां पर रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसी चीज को पता करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक मैंने इस फिल्म को देखा, बहुत ही ध्यान से देखा, पर कहीं पर भी उस कैरेक्टर के नाम को यहां पर पार्ट 2 के अंदर रिवील नहीं किया गया है, नहीं बोला गया है कि उसका नाम आनंद है, नहीं बताया गया है कि वो जो है प्रकाश राज के पिताजी हैं। पर अगर आप देखोगे नरेशन पर ध्यान दोगे कि फिल्म के अंदर जब जब प्रकाश राज का कैरेक्टर अपने पिताजी के बारे में बात करने की कोशिश करता है तब तब हमें जो है फ्लैशबैक में जो है यहां पर वो रिपोर्टर जो है नजर आता है और जिस तरीके से वो बताता है कि मेरे पिताजी बहुत ही पागल थे इस कहानी के पीछे, वो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो आप देखोगे कि कहानी खत्म होते होते वो जो रिपोर्टर है ना वो यश के साथ बहुत ही कनेक्ट हो जाता है, वो बोलता है कि वो कैसे मरा वो सबको पता है पर वो कैसे जिया ये मैं दुनिया
आपको बताऊंगा, तो वो जो पागलपन है वो हमें क्लाइमेक्स आते आते देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जो रिपोर्टर है वो प्रकाश राज जी के पिताजी, या फिर कह लो कि चैप्टर वन में अनंतनाग जी का जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर है जो कि हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। और अगर आप एक और सीन पर अगर आप ध्यान दोगे, तो जब उस कैरेक्टर को रॉकी यानी कि यश के जो आदमी लोग हैं केजीएफ के अंदर पकड़ लेते हैं, उसे लेकर आते हैं, तब यश जो है एक फोटो कैप्चर करता है, और वो जो फोटो है हमें यहां पर अनंतनाग जी की द्वारा जो किताब लिखी गई है उसके अंदर वो फोटो जो है वो देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली वो जो रिपोर्टर है वो उन्हीं का ही कैरेक्टर है, वो यहां पे प्रकाश राज जी के पिताजी का ही रोल प्ले कर रहे हैं। पर यहां पर प्रशांत नील ने कहीं पर भी जो है उनका एक्चुअल जो असली नाम है चैप्टर 2 के अंदर मेंशन नहीं किया है। अब आइए बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स के बारे में। तो फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें देखने को मिलता है कि जहाज पर जो है यहां पे फायरिंग हो जाती है और जहाज जो है ब्लास्ट होता है, और यश का जो कैरेक्टर है वो हमें समुद्र में सोनू के साथ जो है डूबता हुआ नजर आता है। अब केजीएफ चैप्टर 3 जो है डेफिनेटली आ ही रहा है फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में, या फिर कह लो कि मिड क्रेडिट सीन में जो है इस चीज का हिंट जो है हमें दे दिया गया था। और फिल्म रिलीज होने के बाद होमबेले फिल्म्स के जो मेंबर हैं कार्तिक गौड़ा, उन्होंने जो है इस चीज पर जो है कंफर्मेशन भी दे दिया है। अब 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने आपको कहा था कि फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर चैप्टर 3 के अंदर यश के कैरेक्टर को जिंदा किया जाएगा। चैप्टर 3 के अंदर हमें जो है ये जो 1977 से लेकर 1981 तक का जो समय फिल्म के अंदर नहीं दिखाया गया है, जिसके बीच में जो है उसने कुछ इंटरनेशनल क्राइम किया हुआ है उसे ही दिखाया जाएगा। पर ऑनेस्टली कहूं कि कल जब मैं सेकंड टाइम इसे देखने गया था तो कुछ चीजें ऐसी मैंने नोटिस की जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो ओपिनियन है कुछ हद तक गलत भी हो सकता है, शायद मेरा जो प्रेडिक्शन है कुछ हद तक गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उस पर जो है कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जो है दूसरी बार मैंने ऑब्जर्व किया है। देखिए अगर आप क्लाइमैक्स को ध्यान से देखोगे तो क्लाइमैक्स सीन के अंदर प्रकाश राज का कैरेक्टर पहले ही बोलता है कि यश यानी कि रॉकी के पास इतना सारा सोना था कि उसे छुपाने के लिए एक ही जगह है और वो है समुद्र, और वो जो है रॉकी हमें जो है यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर नजर आता है, और ब्लास्ट होने के बाद जो है सोना जो है हमें पानी के अंदर जाता हुआ नजर आता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सुनने को मिलता है कि सोने को इतनी गहराई से खोज पाना नामुमकिन है। पर वहीं दूसरी तरफ प्रकाश राज का कैरेक्टर ये भी बोल जाता है कि उस रात 2 चीजें हुई, केजीएफ भी खत्म हो गया और वो भी खत्म हो गया। ये जो सेम लाइन है जो अनंतनाग जी ने चैप्टर 1 में बोला था कि उस रात वो भी पैदा हुआ और केजीएफ भी मिल गया, तो बस उस लाइन का जो है यहां पर हमें क्लोजर दिया गया है। तो यहां पर प्रकाश राज का कैरेक्टर 2 चीजें बोल रहा है, रॉकी गया ये भी बोल रहा है, रॉकी सोना छुपाने गया था ये भी बोल रहा है। अब रॉकी सोना छुपाने क्यों जाएगा, अगर वो मर रहा है तो सोना छुपाने क्यों जाएगा, उसको फिर क्या करना है सोने का, तो रॉकी सोना छुपाने क्यों गया। दूसरी चीज, यहां पर रॉकी ने जो है इंडियन नेवी को तो इन्फॉर्म किया, इंडोनेशिया के भी नेवी को इन्फॉर्म किया, अमेरिका की नेवी को भी इन्फॉर्म किया, तो क्यों किया, तो क्या यहाँ पे रॉकी जो है इन तीनों कंट्रीज की नेवी के सामने अपने आप को जो है मरा हुआ घोषित करना चाहता था, मरा हुआ साबित करना चाहता था, क्या वो इस घटना के द्वारा यहाँ पे इन तीनों देशों की नेवीज को जो है चकमा देना चाहता था कि रॉकी जो है मर चुका है, सोना जो है समुद्र के अंदर जा चुका है, तो अब जो है ना ही ये लोग रॉकी को ढूंढेंगे, और क्योंकि अब सब सोना जो है पानी के अंदर जा चुका है तो ना ही लोग जो हैं रॉकी के जो लोग थे उन्हें परेशान करेंगे। तो ये जो कुछ चीजें नोटिस हुई हैं इसके वजह से ऐसा लगता है कि शायद प्रशांत नील जो है चैप्टर 3 के अंदर रॉकी के कैरेक्टर को जिंदा कर सकते हैं या फिर उसे जिंदा दिखा सकते हैं, क्योंकि सोना छुपाने की जब बात हो गई ना तब थोड़ा सा डाउट जाता है। और दूसरी चीज, मुझे एक और चीज जो लगती है कि इनायत खलील का जो कैरेक्टर है जिसे लास्ट में दिखा दिया गया है कि वो जो है अब यश के एकदम खिलाफ हो चुका है, तो उसको लेकर भी मुझे यही लगता है कि वो अभी भी जो है यश के साथ ही है और इन दोनों ने मिलके ही कुछ प्लानिंग की हुई है। और ये जो चीजें हैं पूरे कोड लैंग्वेज में जो है कुछ ना कुछ बातें चल रही थी। अगर आप देखोगे जो मैंने कहा कि यश जो है सोना छुपा क्यों रहा था, उस पर अगर आप थोड़ा और पीछे जाओगे क्लाइमेक्स में, तो क्लाइमेक्स आने से पहले संजय दत्त के अटैक करने से पहले हमें जानने को मिलता है कि यश का कैरेक्टर जो है केजीएफ के बाहर कोई भी सोना नहीं ले जाने दे रहा है, सारा सोना उसने केजीएफ के अंदर ही रखा हुआ है। तो डेफिनेटली जो है वो कुछ प्लानिंग कर रहा था, और मुझे लगता है कि यहां पर इनायत खलील का जो कैरेक्टर है उसे इस प्लानिंग के बारे में पता था और इन दोनों ने मिलकर ही जो है कुछ प्लान किया हुआ है। अब दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर श्रीनिधि शेट्टी के कैरेक्टर को यहां पे मार दिया गया है, तो बस वो जो एक इमोशनल पोर्शन है ना वही जो है मुझे इस चीज पर यकीन करने से रोक रहा है कि यहां पर जो है रॉकी का कैरेक्टर जिंदा हो सकता है, क्योंकि वो जो एक इमोशन उस चीज ने ऐड किया है। तो अगर रॉकी को वो जिंदा दिखाते हैं तो इमोशन का जो एक इंपैक्ट था, वो जो एक मीनिंग था ना, वो काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि कम हो सकता है। तो अब देखते हैं यहां पर डायरेक्टर ने जो है दोनों
ऑप्शंस जो है खुले छोड़े हैं। या तो वो चाहेंगे कि रॉकी को जिंदा करते हुए दोनों ही टाइमलाइन, दो चार पांच साल में उसने इंटरनेशनल क्राइम किया उसको दिखाएंगे, और प्रेजेंट टाइम में वो रवीना टंडन के साथ उनकी जो टक्कर होने वाली है उसे दिखाएंगे। तो ये जो है कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पर इस पर कंफर्मेशन तो जो है मेरे हिसाब से आपको चैप्टर 3 में ही देखने को मिलेगी। बट हाँ, जो कह रहे थे, जो मैं मना कर रहा था कि रॉकी का कैरेक्टर शायद जिंदा नहीं होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे प्रशांत नील ने छोड़ी हुई हैं। अब पॉसिबिलिटीज दो है, अब ये डिपेंड करता है कि प्रशांत नील किस सेंसिबिलिटी के साथ आगे इस कहानी को बढ़ाएंगे, वो जो है उन पर ही डिपेंड करता है। अब बात करें यहाँ पे सलार के इस फिल्म के कनेक्शन के बारे में, तो पहले ही बोल देता हूँ कि उस लड़के का जो मुसलमान लड़का यहाँ पे दिखाया गया है, जो कह रहे हो आप, वही लड़का आगे जाके प्रभास होगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, फिल्म दूसरी बार देखने के बाद भी नहीं लगता है। बट हाँ, जो पार्लियामेंट वाला जो सीन हमें देखने को मिलता है, जिस पर काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे रॉकी जो है कुछ लोगों को लेकर पार्लियामेंट के अंदर घुस जाता है, अटैक कर लेता है, तो अगर उस सीन की शुरुआत को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो वहां पर अगर आप देखोगे जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी थी, वो जो है यहां पर उन्होंने जो है घुटने टेक दिए हैं। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि रॉकी KGF से जब निकला था, तो वो जितने लोगों को लेके वहां से निकला था, उससे काफी ज्यादा लोग जो है हमें वहां पर दिल्ली में देखने को मिलते हैं। तो इस पर एक फैन थियोरी ये है, जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत उस पर कंफर्मेशन लग रहा है, कि यहां पर जो है प्रभास की जो आर्मी होगी सलार के अंदर, उस आर्मी का जो सपोर्ट है यहाँ पर यश के कैरेक्टर को मिला हुआ है। इसीलिए यश के आने से पहले ही जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे फोर्स के ऊपर जो है कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। अब ये होगा नहीं होगा ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर क्या इनायत खलील के लोगों ने कंट्रोल किया, या फिर प्रभास के सलार फिल्म के अंदर के टीम के लोगों ने जो है कंट्रोल किया है, इस पर जो है आने वाली फिल्म के अंदर जो है हमें जस्टिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें फिल्म के अंदर हमारे कुछ फेवरेट सीन्स के बारे में, तो फिल्म के अंदर मेरे दो सबसे फेवरेट सीन्स हैं। नंबर वन है तूफान सॉन्ग। तूफान सॉन्ग जो है सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज था, जिस तरीके से गाने के लिरिक्स के साथ साथ बैक स्टोरी को जो KGF चैप्टर 1 के जो विजुअल्स हैं उन्हें दिखाया गया है, और वो छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से उन सीन्स को रिक्रिएट करते हुए दिखाते हैं, वो सही में मैं कहूँगा कि मल्टीपल टाइम्स जो है मैं देख सकता हूँ। एक बार यूट्यूब पर आने दो, मैं तो ढेरों बार उसे देखने वाला हूँ। और दूसरा जो सबसे मेरा फेवरेट सीन है, जिसे मतलब जब वो वर्ड मेरे सामने आया था तो मैं इमोशनल हो गया था, और वो सीन था तब जब श्रीनिधि शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो बोलती है कि माँ आने वाली है, तो वो जो सीन था उसमें जो वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं जो है इमोशनल हो गया था। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन, ओवरऑल एनालिसिस KGF चैप्टर 2 के ऊपर। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आपके जो ओपिनियन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसे कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे साथ शेयर करोगे। दोस्तों बस यहीं तक था हमारा वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।